नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न कराने से पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 42, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो पिछला वाला मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 43 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इससे पहले भी प्रश्न में इसको एक्सप्लेन सहित पूरा कंप्लीट बता चुका हूं, परंतु दोबारा आया है तो फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार की सूची से हटा करके विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया, या इसी को कानूनी अधिकार भी आप कह सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि 44वां संविधान संशोधन और कब, यानी कि सन, तो 1978। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इसको एक ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी, कि जब भी संपत्ति की बात आती है, देखिए जब संपत्ति का अधिकार पूछा जाता है किस में हटाया गया, तो 42 और 44 में कंफ्यूजन आपको हो जाता है। तो बस आपको थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ना है कि जब भी संपत्ति या पैसे की बात आएगी तो आप क्या चाहते हैं, आपका जो पैसा है वो डबल हो जाए। जैसे एक फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी मूवी में था, 21 दिन में पैसा डबल, तो बस उसी से आप संपत्ति जैसे ही आपके दिमाग में आए या प्रश्न में पूछा जाए तुरंत डबल उसे याद रखिए। और डबल देखिए 42 में है कि 44 में, तो आप कहेंगे 44 में 4 2 बार आया है, डबल किस में हुआ, इसी में हुआ है, बस इससे आप जोड़कर याद रख सकते हैं। ये ट्रिक केवल इसलिए है कि 42 और 44 में आप कभी कंफ्यूज जो है वो ना हो। संपत्ति की बात हुई है, पैसा डबल, तो 44 चार चार, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो है आपका विधिक अधिकार इसे बना दिया गया था। अब थोड़ा सा और एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो संशोधन से पहले जो है ये आपका अनुच्छेद 31 जो है इसके अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है वो आता था, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, पर जब संशोधन कर दिया गया उसके बाद किसमें आ गया ये आपको ध्यान जरूर रखना है, वो है 300A। तो इसके अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में इसे स्थापित जो है वो किया गया था। चलिए शुरू करते हैं अब अपने प्रश्न इस वीडियो के। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक देश के लिए मानक समय है दुनिया के एक केंद्रीय स्थान का अंतर्राष्ट्रीय समय, दूसरा कह रहा है कि देश के एक केंद्रीय स्थान का स्थानीय समय, तीसरा कह रहा है कि वह समय जिसे देश ने स्वयं निर्धारित किया है, और चौथा कह रहा है कि कुछ देशों के एक समूह द्वारा किया गया फैसला। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि देश के एक केंद्रीय स्थान जो है उसका स्थानीय समय, ये आपके एक देश के लिए मानक समय जो है वो हो जाएगा। तो पूरे देश के समय के रूप में आप इसे कह सकते हैं निर्धारित किया जाता है, यही आपका मानक समय कहलाता है। जैसे कि आप 82.5 डिग्री मध्यान्ह क्या देखते हैं रेखा, तो उसके स्थानीय समय को क्या मानते हैं, भारत का समय माना जाता है। तो यही आपके यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना, नाम ध्यान रखिएगा, पन्ना, पन्ना भारत का मुख्य हीरा प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के अलावा जो आपके प्रमुख राज्य है उसमें आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा आपका आंध्र प्रदेश, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, यानी कुल 3 नाम, एक आपका मध्य प्रदेश, एक आपका आंध्र प्रदेश और एक आपका छत्तीसगढ़, ये आपके हीरे की जो खदान है उसके लिए भी फेमस है। तो आपका यदि प्रश्न में मध्य प्रदेश ना दिया हो, छत्तीसगढ़ या आपका आंध्र प्रदेश में से कोई दिया हो तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था, चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि कुंडग्राम, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अब और सारी बातें यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर जब महावीर स्वामी की बात हुई है तो जन्म सबसे पहले कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता की नाम क्या था, तो माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। और बचपन का नाम क्या था इनका, तो बचपन का नाम जो है इनका वर्धमान था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जो है याद होनी चाहिए। अलग अलग पेपर में इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते रहे हैं। और मृत्यु भी साथ में ध्यान रखिएगा, तो पावापुरी में जो है मृत्यु हुई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका क्या है। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, तापीय मंडल में, आयन क्षेत्र में, क्षोभ मंडल में या बहिर्मंडल में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्षोभ मंडल में जो है आपका जो मेघ गर्जन है ये जो है वो होता है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं भी आपकी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो पूछ लिया जाए बरसात है, ये सारी चीजें अलग अलग घुमा के प्रश्न पूछ जाते हैं, तो क्षोभ मंडल में ही आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी शिलालेख, यानी कि यहाँ पर 10, 11, 12, 13, यानी कि 13वां शिलालेख जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कलिंग युद्ध की विजय और जो क्षत्रिय हैं उनका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में जो है वो किया गया है। और अशोक के इसी अभिलेख के अनुसार जो अशोक था उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध जो है वो लड़ा था, वो भी इसमें जो है वो बताया गया है। अब कलिंग युद्ध में आपने भी जरूर सुना होगा कि काफी नरसंहार हुआ था, तो लड़ा क्यों किया गया था, रीजन क्या था उसको समझिए। तो सबसे पहला तो मेन रीजन यही था कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए, ताकि क्या हो कि जो अशोक है उसका जो राज्य है उसका और ज्यादा विस्तार हो, पहला मेन रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि सामरिक दृष्टि से जो कलिंग था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें स्थल हो चाहे समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को आने वाले जो मार्ग थे उस पर कलिंग का पूरी तरीके से नियंत्रण था, तो कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ सकता था, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जो कलिंग युद्ध हुआ, जीत भी गया अशोक, उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य था वो तो और ज्यादा बढ़ गया, और राजधानी इसकी एक बनाई गई जिसका नाम था तोसाली, तो ये जो है इसकी राजधानी हो गई थी। इस चीज को केवल और केवल ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सदन के उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी के खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में लगाई जाती है। तो वीटो वह प्रक्रिया है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण वो प्रक्रिया है, वाटरगेट वह प्रक्रिया है, या महाभियोग वो प्रक्रिया है। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी महाभियोग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ अधर्म करने का कोई भी आप जो औपचारिक आरोप लगता है तो वो प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, महाभियोग के अंतर्गत आती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पाई गई मुहरे, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, नगरों के अवशेष या लिपि। तो उन जो सभ्यता है उसको या उनके बारे में जो जानकारी हमें वो किससे मिलती है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो डेली दोपहर 3 बजे जो है वो करा रहे हैं, ऐसे आगे भी कराते रहें। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बर्तन जेवर हथियार औजार, इनसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके निवासियों की जो सभ्यता है उसको जानने का मूल स्रोत जो है ये सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं।
नगर भी उनका काफी रोल था, परंतु यहाँ पर ये लिखा है कि जानने का मूल स्रोत क्या था, तो इन सभी से वहाँ का रहन सहन कैसा था, कैसी सभ्यता थी, बहुत सी चीज़ों की इन सभी से जानकारी मिलती है, तो ये आपके ऑप्शन ज़्यादा यहाँ पर सुटेबल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, प्राचीन काल के मानव ने किसकी खेती सबसे पहले की थी? गेहूं और जौ की, दलहन की, ज्वार की, या चावल की? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गेहूं और जौ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग 12,000 साल पहले आज से आप कह सकते हैं जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, जानवरों को पालना स्टार्ट किया था, और उसी समय जो गेहूं और जौ है इसको उगाना भी जो है वो स्टार्ट किया था। यही आपका प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल के मानव किसकी खेती सबसे पहले की थी, तो गेहूं और जौ आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक जो है वो कौन है? फ्रोबेल है, कार है, डॉल्टन है, या हैगल है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रोबेल जो है वो सही हो जाएगा। फ्रोबेल का पूरा नाम क्या था? तो फेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल, फेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल इनका पूरा नाम था। जन्म इनका हुआ था 21 अप्रैल 1782 को, यानी कि 1782 को। मृत्यु इनकी हुई थी 21 जून 1852 को, तो इनका ये जो है वो समय काल था। याद आपको क्या होना चाहिए, ये कि प्रोवेल जो है उन्होंने किंडरगार्टन जो पद्धति है उसके प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, और कहाँ के हैं ये, तो जर्मनी के हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पूछा ही जाता है अधिकतर, जन्म मृत्यु तो मैंने आपको ऐसे एडिशनल जो है वो बता दिया, और इसके साथ साथ ये पेस्टोलॉजी के जो है वो शिष्य थे, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां, बॉक्साइट भंडार के मामले में दुनिया में भारत किस श्रेणी पर है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 5वां स्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बॉक्साइट में विश्व लेवल पर बात करें तो 5वें नंबर पर जो है वो भारत आता है। तो आपको पहले नंबर पर कौन आता है ये अवश्य पता होना चाहिए, तो पहले नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो आता है। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया आपका पहले नंबर पर आता है। ये तो हो गया विश्व स्तर पर, परंतु यदि आपसे भारत में पूछा गया होता तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंतर्गत यदि पूछा जाए तो आपका उड़ीसा राज्य जो है वो पहले नंबर पे आता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है आपका कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो कब दिखाई देता है? चार ऑप्शन, 21 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, या 21 मार्च। बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी 21 जून जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां, लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य से सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, या राजस्थान? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल बात कर लेते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। और अलग अलग राज्यों के हिसाब से बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 80 है। महाराष्ट्र में कितनी है, तो आपकी 48 है। बिहार में कितनी है, तो 40 है। राजस्थान में कितनी है, तो 25 है। तो इस प्रकार से सीरियल भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका यूपी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 13वां, बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या दारा शिकोह? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपके मुगल साम्राज्य से ही संबंधित राजा थे, जैसे कि बाबर है, या कह सकते हैं हुमायूं है, उसके साथ भी आपको जो बैरम खान है उसके साम्राज्य से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि बताया जाता है जो आपका बैरम खान था इसने 16 वर्ष की आयु में जो है आप जो बाबर था उसकी जो है, या बाबर का जो साम्राज्य था उसकी जो है वो सेवा की थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 14, अतीत की जानकारी के अलावा निम्नलिखित में से वह अन्य लाभ कौन सा है जो इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होता है? लड़ाई के बारे में सीखना, शासन के बारे में सीखना, कौशल और गुणों का विकास,
या हमारे मन में बहुत सी बातों की यादों का भंडारण। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। अतीत की जानकारी के अलावा निम्नलिखित में से वह अन्य लाभ कौन सा जो इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, कौशल और जो गुण हैं उनका विकास जो है आपका सही हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ केवल अतीत के अध्ययन से नहीं होता है, ये हमें महत्वपूर्ण कौशल और जो गुण हैं उनको विकसित करने में भी जो है वो सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, शनि, मंगल या बुध, चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो बृहस्पति जो है वो सूर्य से जो है आपका 5वें नंबर पे आता है और सौर मंडल जो है इसका सबसे बड़ा ग्रह भी जो है आपका बृहस्पति ग्रह होता है। परिक्रमण काल इसका कितना होता है, तो 12 वर्ष जो है इसका परिक्रमण काल जो है वो होता है। और ये आपका एक गैस दानव है जिसका जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य के 1000वें भाग के बराबर और सौर मंडल में जो अन्य 7 ग्रह हैं उनके कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना जो है ये होता है। उतना डिटेल में ना याद रख के आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और इसका परिक्रमण काल भी ध्यान में रखिएगा, 12 वर्ष होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 की, निम्नलिखित के नाम पढ़ें। पहला समस्या को सुलझाना, दूसरा चक्र में सीखना, तीसरा प्रेरक मॉडल और चौथा मॉडल की जांच करना। बताना कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण मॉडल जो है उसका प्रकार जो है वो है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर चारों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी कि आपको ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, 1, 2, 3 और 4। तो समस्या को सुलझाना भी शिक्षण मॉडल में आता है, चक्र में सीखना भी आपका आता है, प्रेरक मॉडल भी आता है और मॉडल की जांच करना भी जो है आपका इसी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा। इसी को आप कह सकते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले जो निर्वाचक गण होते हैं उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है वो होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो जरूरी है भारत का नागरिक हो, दूसरा जरूरी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको ध्यान होगा तो अभी जो यूपीटेट इससे पहले हुआ था उसमें आयु से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। और उसके साथ साथ तीसरी योग्यता ये है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए भी अर्हत जो है वो होना चाहिए। ये आपकी जो है वो हो जाएंगी योग्यताएं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18, पोर्टफोलियो मूल्यांकन प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों की निम्नलिखित में से किस पर लागू किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या विभिन्न स्तर पर। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न स्तर पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कह सकते हैं शिक्षा के हर स्तर पर जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन है उसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको जो है वो लागू किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे जो प्रश्न है वो कराता रहूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस अवश्य कर लीजिएगा ताकि डेली इस प्रकार प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो सभी लेटेस्ट न्यूज़, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ों के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्रश्न देख लेते हैं अपना 19 कि भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष या भारत का मुख्य
न्यायाधीश। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अब बात करते हैं वर्तमान में कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम एकदम रट लीजिए, इनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। ये जो है इनका नाम है, इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो इनकी नियुक्ति की तिथि थी 18 नवंबर 2019। ये भी साथ में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 18 नवंबर 2019 को जो है ये नियुक्त हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एक ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में देश में कितने आपके उच्च न्यायालय, यहाँ पर तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई है, परंतु उच्च न्यायालय यदि आपसे पूछा जाए तो आपकी संख्या हो जाएगी 25। 25 आपके जो है वर्तमान में जो है वो उच्च न्यायालय हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की। परंतु यदि उच्च न्यायालय की बात की जाए, तो उच्च न्यायालय अलग अलग स्टेट में है, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश के संबंध में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपसे यदि सुपरिटेंडेंट में पूछा जाएगा तो यूपी के लेवल पर एग्जाम होता है। तो वर्तमान में कौन है इस में, तो आपका ये सबसे पहले तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लगता है, जो कि आप सभी जानते हैं आए दिन इतने केस होते हैं, उसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो वो है गोविंद माथुर। ये जो है वो वर्तमान में है, गोविंद माथुर। और इनकी नियुक्ति की तिथि क्या थी, तो 14 नवंबर 2018 जो है इनकी नियुक्ति की तिथि थी। ये हो गया इन सभी के बारे में। चलिए देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल का विचार दिया था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो कल मिलते हैं दोपहर 3 बजे, सभी लोग लाइव आ जाइएगा। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है आज के में, इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।